हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं थोड़े से नए टॉपिक पर, जो कि है G20 समिट के बारे में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ये दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट के पास अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रगति मैदान टनल, इसको ITO टनल भी बोलते हैं, प्रगति मैदान टनल भी बोलते हैं और इंडिया गेट टनल भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया गेट से होते हुए प्रगति मैदान के नीचे से क्रॉस करते हुए ITO तक जाती है। ITO के पास ही जो मेन रोड है वहाँ तक जाती है, और इसलिए इसको कहा जाता है प्रगति मैदान टनल, जो मोस्टली इसको इसी नाम से नोन है। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक मास्टरपीस टनल बनाया गया है। तो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपको बस यही दिखाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, G20 का जो समिट है, उसका जो दिल्ली का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वो सितंबर में होने वाला है। और उससे पहले हम देख सकते हैं कि जिस भी स्टेट में, जिस पर्टिकुलर बिग सिटी में G20 का समिट का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहीं पर बहुत सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। न्यू फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और भी काफ़ी अच्छी नई चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाई जा रही हैं। और सिमिलरली दिल्ली में, जैसे कि मैंने बताया, सितंबर में G20 का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो उसी के लिए काफ़ी यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है। और काफ़ी जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उसको काफ़ी मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं और थोड़ा सा जो है अपडेट भी किया जा रहा है। तो उसी के चलते इस टनल को भी बनाया तो गया था लास्ट ईयर, पर इसको भी काफ़ी मेंटेन किया जा रहा है। बाहर इसके शेल्टर पे सारा ऊपर से कवरिंग की गई है, और ये सब G20 की समिट की तैयारियाँ हैं बेसिकली। तो यही मैं आज आपको दिखाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। आप देखिए कितना सुंदर ये टनल बनाया, कितना सुंदर। इट इज़ जस्ट अ मास्टरपीस दैट आर कंट्री हैज़ मेड। तो यहाँ से ये टनल ख़त्म होती है, और यहाँ से हम जो ये पहला कट आपके सामने है, यहाँ से ये जाता है ITO की साइड, और हम जहाँ से आगे से राइट मुड़ेंगे वहाँ से ये टनल बाहर निकल जाता है सराय काले खां की साइड। तो सराय काले खां से हम दिल्ली में बहुत सारी जगह जा सकते हैं, जैसे आश्रम चौक के तरफ हम जा सकते हैं, DND पर हम एंटर कर सकते हैं, और अगर अक्षरधाम की साइड से NH24 पर भी हम एंटर कर सकते हैं। तो सराय काले खां एक आज की डेट में दिल्ली का काफ़ी बड़ा हब बन चुका है। और एक बात और मैं आपको बताऊँ कि अभी रिसेंट में ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि अभी स्टार्ट किया गया है, अभी इसका लास्ट मंथ इनॉग्रेशन हुआ है, उसका भी यहीं से एक एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है। तो वो यहीं सराय काले खां के पॉइंट से स्टार्ट होकर के सीधा सोहना तक यहां से कनेक्टिविटी रूट है, तो वो भी यहीं से बन रहा है। तो सराय काले खां एक बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना दिया गया है आज की डेट में दिल्ली में, और वहीं से ये एंटर करता है और उसी जगह पर ये टनल जाकर खत्म होता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही था, मैं ये आपको टनल दिखाना चाहता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।